सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में 5 से 6 नंबर का इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में ही इसमें ट्रू फॉल्स के साथ में रीजन के साथ में भी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज पर क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज क्या होती है, मैं स्मिता बाजपेयी आज आपको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज बेसिकली क्या है उसके बारे में बताने जा रही हूं। कोई भी कंपनी जब कोई स्ट्रेटजी बनाती है तो उस स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने के लिए उस कंपनी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको सबको अपना योगदान देना पड़ता है उस स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि किस तरह से। मान लीजिए कि हम यहां पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पतंजलि को एक टी शर्ट बनानी है और वो भी स्पोर्ट्स पर्पस को ध्यान में रखते हुए, स्पोर्ट्समैन के लिए या स्पोर्ट्स को हाईलाइट करके उन्होंने एक टी शर्ट को बना के मार्केट में सेल करना। तो उनके कंपटीटर्स कौन है जिनको वो ध्यान में रख के मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं एक शर्ट के रूप में, एडिडास एंड नाइकी, ये उनके कंपटीटर्स हैं। तो जब पतंजलि इस तरह का कुछ सोच रही है, उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है कि उसको एक नई टी शर्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च करना, तो वो क्या करेगी, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी का उसके पीछे उसका जो एम है उसको अचीव करने के लिए उस कंपनी की जितनी भी यूनिट्स हैं, उस कंपनी के जितने भी फंक्शन हैं उन सबको मिलके काम करना पड़ेगा। किस तरह से काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो फिनेंस डिपार्टमेंट है, जो फिनेंस का डिपार्टमेंट है, वो सबसे पहले एक बजट देगा, ठीक है। बजट देने के बाद में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये ऑर्डर देगा कि ठीक है इन टी शर्ट को बनाया जाए, ऑपरेशन शुरू किया जाए। टी शर्ट बनने के बाद में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिजिटल एंड फिजिकल मीडियम के थ्रू उसकी मार्केटिंग करेगा। आफ्टर दैट जो सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर, अलग अलग मार्केट में जाकर उसके सेल करेगा। सपोज कीजिए कि वो ऑनलाइन स्टोर पर जा रहा है, तो ऑनलाइन स्टोर पर कहां पर जाएगा, एमेजोन पर जाकर, फ्लिपकार्ट पर जाकर, स्नैपडील पर जाके, और भी जितने ऑनलाइन स्टोर्स हैं उसके साथ में मिलके वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगा। किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में एक सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो होता है ब्रांड का, ठीक है, एक ब्रांड इमेज का। तो उस ब्रांड इमेज को बना के रखने के लिए भी पतंजलि क्या करेगा कि वो एक ब्रांड भी, पतंजलि एक अपने आप में ब्रांड है। अब उसके अंदर वो किसको उसका एम्बेसडर बनाता है, वो किसके थ्रू उसकी ब्रांडिंग करवा रहा है, तो ये भी एक पार्ट होता है स्ट्रेटेजी के अंदर का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो इन सारे फंक्शंस को जोड़ के रखता है। तो किसी भी स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए, किसी भी स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी तभी सफल होगी जब उस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको सबको मिलकर काम करना होगा। अगर एक लाइन में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को समझें, तो एक लाइन में फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी कंपनी के एम या उसका टारगेट या उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उन स्ट्रेटजी के अंदर के जितने भी कंपनी के अंदर के जितनी भी यूनिट्स हैं उनको सबको एक साथ मिलके काम करना होगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी के अंदर भी
उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उन सबका फंक्शन होना बहुत जरूरी होता है। तो फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी के अंदर बेसिकली हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, जिससे कि प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से उसकी मार्केटिंग हो, सेल्स डिपार्टमेंट ने किस तरह से फंक्शन किया हुआ है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने किस तरह से फंक्शन किया हुआ है, एचआर डिपार्टमेंट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, इन सब की हम एक एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो यही होती है फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी। तो अगर आपको फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी समझ में आई है, प्लीज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमें माय ई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो प्लीज यू कैन विजिट माय ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट अवर व्हाट्सएप नंबर 9717065678। यू कैन बाय वीडियो क्लासेस ऑल्सो फ्रॉम www.plutoinnovations.com। थैंक यू वेरी मच।